ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का फिजिक्स लेसन नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, जिसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हमें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, लार्ज हो, स्मॉल हो, डिफरेंट शेप हो, साइज हो या टेक्सचर हो, ठीक है। और एवरीथिंग जो यूनिवर्स में है मेड अप ऑफ मटेरियल, जिससे बना है मटेरियल, तो साइंटिस्ट हैव नेम देम मैटर। जिस भी चीज से बना हुआ है उनको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर। अब चाहे वो एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड को भी, एवरीथिंग को हम लोगों ने साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर। नाउ वी कैन ऑल्सो सी इन आवर अराउंड ऑल द थिंग्स मेंशन एवर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब ये मैटर होता क्या है? कोई भी सामान जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिनको मास होता है, इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैटर। ओके, मैटर हैव, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अदर वर्ड में यदि हम बोले तो मास और वॉल्यूम जो दोनों ही जिनमें होता है उनको हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम। अब पुराने जमाने से ये अर्ली ह्यूमन या हम ह्यूमन बींग्स ही ये समझने का कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग्स को समझने का कोशिश करते आ रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर मैटर को क्लासिफाइड किया इन लोगों ने द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने इनको क्लासिफाइड किया। वो क्या है? पंच तत्व। हम फिलोसफर ने क्या क्या पंच तत्व में इसको बोला, क्लासिफाइड किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जितने भी चीज बने हैं ये सभी क्या है? इन पंच तत्व से बने हुए हैं। उनके हिसाब से जो भी चीज बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, ठीक है, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने अराइव एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने बोला मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इनको 2 तरह से क्लासिफाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा और एक केमिकल नेचर के द्वारा। ओके, इसी चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट से इन मैटर को हम लोगों ने अलग किया है, कैसे अलग किया है। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, बाहरी नेचर जो है उसके हम मैटर का बारे में पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, मैटर किससे बना है? छोटे 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 पार्टिकल्स से बना हुआ है। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से 2 स्कूल ये सोच रहे थे रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर। एक स्कूल ये बिलीव करता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक, वुड के ब्लॉक की तरह है, ठीक है, इस तरह का ब्लॉक की तरह है। जबकि दूसरा स्कूल इस एक्टिविटी को क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, सैंड की तरह पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड, हम लोग क्या करेंगे इस चीज को डिसाइड करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ द एक्टिविटी 1 में यहाँ हम लोगों ने 100 ml बीकर पानी लिया, उसको क्या कर दिया, बीकर को पानी से भर दिया हाफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ सॉल्ट या शुगर जो भी हमें मन करे वो हमें उसमें मिलाना है, एक स्पून ग्लास रॉड से इसको पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या पानी का जो लेवल था वो चेंज हुआ? क्या हुआ, आखिर वो सॉल्ट और शुगर गया कहाँ, डिसअपीयर कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ चले गए? क्या वाटर चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया पानी का, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग इस प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। वी नीड टू यूज द आइडिया द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हमें यह आइडिया दिमाग में बिठाना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। देयर इज अ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। हमने जो डिजॉल्व किया वो क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैपिंग है उनमें जाकर के वो
बैठ गए, ठीक है, और इस तरह वो डिसअपीयर हो गए, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में आपको ये बताया गया है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between the particles of water. जैसे मैंने बताया, पार्टिकल जो इस वाटर का पार्टिकल्स है उनके बीच में जाकर के ये बैठ गए, ठीक है, इसीलिए वो डिसअपीयर हो गए, ठीक। नाउ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, अब बात ये होता है कितने छोटे हो सकते हैं ये जो पार्टिकल है मैटर के, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, इसमें हम लोगों ने 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है, इसको डिजोल्व किया 100 ml वाटर के साथ, ओके। नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, 10 ml इस सॉल्यूशन का हम निकाल लेंगे और उसमें 90 ml वाटर जो क्लियर वाटर मिला देंगे। अब टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इन टू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, बार बार हम ये रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ द मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रो द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल, जितने बार भी हम मिलाते गए कलर लाइट होता चला गया, ये देखिए कलर लाइट होता चला गया और जो कलर है वो लाइट हो गया और स्टिल ये अभी तक भी विजिबल है, देखने लाइक है। दिस एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, छोटा सा भी पार्टिकल यदि हम पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल यदि डाले पानी में तो वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 liter वाटर को वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल, इसका मतलब एक क्रिस्टल में कितना है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है जिन जो डिवाइड होकर के छोटे 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 पार्ट्स में उनमें बने हुए हैं, और जब जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या किया, पानी में डाला, पानी में डालते गए तब तक ये कलर दिखता गया, लेकिन लाइटर होता चला गया लेकिन दिखता चला गया। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमने 2 ml वाटर डेटॉल को हम लोगों ने पानी में डाला तो क्या हमारा स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक बाल्टी में भी यदि 2 ml डाले तो भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि यह डेटॉल ही है। इसी तरह पोटेशियम पर मैग्नेट भी एक छोटा सा क्रिस्टल में मिलियन ऑफ पार्टिकल्स है जो कि हम डाले 100 ml वाटर में भी तो भी डिटेक्ट कर पाते हैं कि उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाला गया है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यह है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल इतने छोटे हैं कि यह हमारे मतलब समझ से भी परे हैं, हमारे विचारों से भी परे हैं, हम इसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर बताऊंगी, ओके बाय।